हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचि फूड वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर की स्पेशल रेसिपी, दाल पालक चने की दाल के साथ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप चने की दाल, इसको वॉश कर लिया है मैंने, और करीब 2 कप लिया है मैंने पालक, जिसे काट लिया है मैंने धो के, और ये टमाटर और प्याज, 2 टमाटर 2 प्याज, और नमक है, तेल है, और जो बेसिक से मसाले होते हैं वो मैं यूज़ करूँगी। कुकर में मैंने डाल दिया है तेल सरसों का, जो कि हीट हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है मेथी। आप इसमें चाहें तो खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता वगैरह मैंने नहीं डाला है। मैंने अब इसमें डाल दिया है प्याज, जिसे थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, जब प्याज ब्राउन हो जाए तो मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भून लेंगे थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट, और फिर मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर। टमाटर के साथ भी इसे फ्राई कर ले रहे हैं, बीच बीच में मैं फ्राई इसलिए करती रहती हूँ ताकि चिपके ना नीचे। ये मैंने डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार, और फिर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। सारे बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने, उसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और अब मैं इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला, जो सब्जी मसाला होता है। एक मसाला जो मैं इसमें भूल गई, जो मुझे, ये देखिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। एक मसाला मैं इसमें भूल गई थी, जो मुझे बाद में खाने के टाइम याद आया। आप लोग नोटिस करिएगा तो बताइएगा कि क्या भूली थी मैं। ये है हमारा चने की दाल, जो मैंने डाल दिया है इसमें। और इसे थोड़ा मैं पहले चला लेती हूँ ताकि ये नीचे चिपके ना, उसके बाद मैं इसमें पालक डालूंगी। आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या भूल गई थी, कौन सा मसाला मैं भूल गई थी। ये पालक डाल दिया है मैंने, और देखिए थोड़ा सा मैं इसे चला देती हूँ, और फिर इसको 2 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी। देखिए चलाते चलाते ही ये थोड़ा सा कम हो गया है, और 2 मिनट के बाद मैंने इसे निकाला था, तो देखिए पानी भी छोड़ दिया है पालक ने, और थोड़ा सा रह गया है। बिल्कुल पालक गलने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही बनती है, तो ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। पानी डालने के बाद मैं कर दूंगी कुकर को बंद। एक सीटी तेज फ्लेम पे, उसके बाद 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये हमारी दाल हो गई है रेडी। और अब चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। ये देखिए अच्छे से बर्तन में मैंने दाल को डाल लिया है, दाल पालक को, और मैं कटा हुआ धनिया पत्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप लोग भी खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।